और ये देखो आज मेरे को वो मिल गया का साथी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए देखो बांदे, और ये मम्मी पापा दे रहे हैं पहले। तो यहाँ पे दुल्हन का भाई है, चल रोने लग गए। हमें फिर से लगा दिया मम्मी, शादी हो रही है। आंटी जी कलाकार कौन था ये? अरे कलाकार पीछे चले गए ना। ये दिखाओ तो, क्या देखो यही तो बढ़िया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में, खूबसूरत से हल्द्वानी शहर से। और सुबह के 10 बज रहे हैं और धूप काफ़ी तेज़ आ गई है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये चश्मे लगा के पीला कुर्ता पहन के आज वीडियो की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज है 6 तारीख और हमारी जो साली है ममता, उसकी आज मेहंदी हल्दी है। तो अभी हल्दी हाथ है, तो अभी हम जा रहे हैं हल्दी हाथ में। तो देखो ये भी तैयार हो रखे हैं, पिछोड़ा पिछोड़ा पहन के बढ़िया। और इनके पास पीला नहीं था तो इन्होंने यही वाला डाल दिया। आजकल पिंक भी पहनते हैं, पीला ही नहीं पहनते हल्दी है तो पीला। अगर लड़कियाँ कुछ भी पहन ले तो वो चलता भैया, कैसे कैसे लड़कियाँ अगर ट्रेंड बनाती है कुछ भी। तो आपने मेरे ब्लॉग्स में जो गढ़वाल की हल्दी कई बार देखी होगी शादियों में, लेकिन आई थिंक कुमाऊँ की बहुत कम देखी होगी, देखी नहीं होगी। तो आज आपको दिखाएंगे कुमाऊँ में कैसी हल्दी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, मैंने पहले देख रखी है, तो आज दिखाने वाला हूँ मैं तो कैसी हल्दी होती है यहाँ पे। और बने रहेगा ब्लॉग में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला आपको। तो चलो चले ममता के घर को। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं ममता के घर पे, और ये देखो आज मेरे को वो मिल गया का साथी, असिस्टेंट सामान रख उठाने वाला। तो यहाँ पे देखो हल्दी का सेटअप हो रहा है, और छत में किया इन्होंने पूरा सेटअप। और मेरा पति बिल्कुल चश्मा सा पहन के एकदम हीरो बन के आ रहा है। जलन हो रही तुम्हें? मुझे जलन हो रही ना, क्या पता कोई पसंद ना कर ले तभी तो। और यहाँ पे देखो छत पर यहाँ पूरा वो कर रखा है, असली गेंदे के फूल हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं ये, बहुत प्यारे लगते हैं ये। इनके घर पे मुझे लग रहा होता नहीं, पीछे यहाँ पे हो रहे हैं असली। हाँ तो ये है, बाकी अभी उसका हेयर स्टाइल वगैरह करना है ममता का, तो वो करती हूँ। हमारी दुल्हनिया ममता, मेरी दोस्त की शादी हो रही है। फाइनली अब ये लास्ट बची है जिसकी शादी होनी थी। दो छोटे छोटे टिंगू और बचे हैं हमारे को। अरे हाँ, उनके तो अभी टाइम, उनका भी टाइम है, उनका तो लेट में आएंगे हम बहुत। चलो फिर अब ममता अपने रेडी हो रही है अपनी हल्दी के लिए, अभी दिखाते तो यहाँ पे हो रही है पूजा। और हमारे वहाँ पे ना ऐसे सगुन अखर गाते हैं, संपन्न करा देना कहता है। तो फाइनली अब जो हल्दी है वो शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे देखो हमारे उसमें अलग होता है रीति रिवाज, यहाँ अलग है। देखो अभी दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ हल्दी कैसे होती है। बाकी आ गई ममता, आजकल फैशन के साथ चलना पड़ता है। ये देखो ये प्रात में पैर रख के बैठ रही है, और यहाँ पे रखे ये हल्दी वाला है। देखो इनका, हमारे डोने बने होते हैं ना, 5-7 होते, कितने होते हैं गढ़वाली में, यहाँ पूरा एक ही है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आचरण बोलते हैं हमारे, आचरण। आप क्या बंद करवा लें, पता नहीं क्या बोलते हैं।
चावल होते हैं और मिठाई होती है और मतलब वो शगन के जो पकौड़े बनते हैं। हाँ, हमारे नारियल वारे लोग भी होता है हमारे इसमें पूरा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए देखो बांधे, और ये मम्मी पापा दे रहे हैं पहले देखो। देखो अब हंसे, हाँ हंसे लगो। ये है कुमाऊँ। तो यहाँ पे दुल्हन का भाई है, रोने लग गए। तो इमोशनल पल है किसी भी भाई के लिए, बहन की शादी। यहाँ पे अभी भी हल्दी चल रही है और इधर कीर्तन वगैरह भी चलने लग गए हैं। और हम यहाँ पे दो सालियाँ पीछे हैं, दो सालियाँ जीजा के पीछे, एक निपट गई है, दो रह गई है, दो रह गई है। देखो यहाँ पे सब लोग पिछड़े बनेंगे हमारी कुमाऊँ में ना, तो लगता है कि भाई लगता है कि शादी हो रही है। मतलब नहीं तो और जगह तो ऐसा होता है, बिल्कुल इतने सिंपल बने रहते पता ही नहीं चलता। हम लोग तो बस अभी कल संगीत में देखना कैसे बन गया है। संगीत तो मेन होता है, संगीत मेन होता है हमारा। और इधर देखो तो अभी हम तो लगा के आगे हल्दी, और हमारे लग गई दोबारा हल्दी, हमें फिर से लगा दी हल्दी। दूसरी शादी हो रही होगी, एक पहले से थी क्या? अरे मैं क्या दूसरी हो रही है ऐसा बोल रहा हूँ, मैं कह रहे दूसरी शादी हो रही है ऐसा बोल रहा हूँ। जाओ जाओ, नहीं नहीं उसके पैरों से निकालना हल्दी। तो तीनों सालियाँ इकट्ठी हो गई हैं, फिर बीच वाली तो निपट जाएगी, फिर दो रह जाएगी। ये शोभा के लगा दे खूब, ममता ये शोभा के लगा दियो, इसके लगा दे। हाँ अगले साल इसकी शादी में आएंगे। अब आज सज आए रे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर, हाय सज आए रे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। तो दोस्तों अभी फंक्शन तो खत्म हो गया हल्दी का, अभी हम खा रहे हैं, खाना लंच कर रहे हैं। और जैसे कैमरा शुरू हुआ तो सबने सेटिंग शुरू कर दी अपनी। सबसे पहले प्रियांशी क्यों, जो पहले मुफ्त का मलिदा फेल दिया वो, अब तो पूरा खा के बोल रही है मैं सैलेड खा रही हूँ सिर्फ। यार इन सबकी प्लेटें खत्म हो गई, पहले आ गए थे खाना खा के, मेरी प्लेट अब आ रही है। कुछ चाहिए तो ले लो यार, ले लेंगे अभी। हाँ बाहर से, यहाँ से कोई तो आएगा अपनी प्लेट भर के कि हम इसमें से लेंगे। लो लो दोस्तों, इसको पानी में पूरा भिगा दिया, देखो पानी भीगे क्या हाल हो गया इसका। दोस्तों एक छोटा सा कुत्ता है, इसका नाम क्या है? कुत्ता नहीं है, सॉरी सॉरी कुत्ता नहीं है, लड्डू है ये। लड्डू खा लो लड्डू। तो दोस्तों अभी हमने खाना खुना खा लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये मेहंदी मुंदी लगानी है उन्होंने, उसके बाद शाम को है मेहंदी, तो मेहंदी में आएंगे, अभी घर जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? डांस तो किया नहीं हमने। क्या करो तो मेहंदी में आएंगे, अभी थोड़ा घर चलते हैं, चेंज भी करना है, कपड़े भी नहीं लाए ना, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जी अभी हम अभी गिर गया था, पहुंच गए हम घर में, और हमारा वेलकम करने आई है ये दिव्यांशी। दिव्यांशी तो क्यों नहीं आई हमारे साथ?
कल आएगी, कल आएगी ना, तिरले मेहंदी लगाएंगे, तिरले मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये लोग लगाएंगे मेहंदी और हम करेंगे आराम थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे, हेलमेट आप पहनो ना, पहन रहे हो? तो अभी ना हम क्या कहते हैं, अभी बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, मेहंदी के लिए जा रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं उसके, क्योंकि उसको रेडी भी करना है। और मेहंदी ये जा रहे हैं, तो मेहंदी लगा, मैं सोया था थोड़ी देर, इधर मेहंदी दिखाओ, तो मेहंदी ये शोवानी लगाई है मेरे को, ये दो, ये और ये दो, वो है दो, ये भी जा, लेकिन ये हमारे साथ नहीं आ रहे, ये शोभा की बुकिंग है। चलो 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 चले, ममता का फोन आई जा रहा है बार बार। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ब्राइड के घर पे और ये है ममता, देखो। अब ममता कैसा लग रहा था, क्या कहना चाहोगे? अभी अच्छा लग रहा है, कल पता चलेगा वो शादी में, ऐसा कल भी अच्छा ही लग, तो शादी में ऐसा होता ना, पता ही नहीं लगता कि शादी हो गई है, ऐसा कुछ पता नहीं लगता सच्ची। हमारी शादी, हम तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा कर ले शादी, ऐसा मन कर रहा है दोबारा करेंगे, हमें पता ही लगा हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई, एकदम से भागा दौड़ी। तो अभी इसका मेकअप चल रहा है देखो, और बाकी ये वैनिटी हमारी बीवी की खुल गई, पहले ब्रश गिर गया, शुभ हो गया मतलब पहले ही। ये है हमारी नानी, अम्मा उम्र कितनी होगी, आप कैसे बोलते हैं? हाँ, उम्र पहचानती हूँ हिंदी में भी। उम्र कितनी होगी? 80 होगी। देखो, और अम्मा वहाँ साग सब्जी भी उगाती है, क्या क्या लगे आजकल? आजकल क्या क्या लगे आजकल सब्जी? सब्जी लाई, पालक, पालक लेके भी आई वहाँ से, माल्टा लाई, खट्टा लाई, खट्टा माल्टा, नहीं माल्टा होते वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत साग सब्जी होती है अम्मा के वहाँ। ठीक है ठीक है, अम्मा आएंगे किसी दिन आपके यहाँ? एक हफ्ता अम्मा बहुत अच्छी जगह पे रहती है, बागेश्वर, नहीं जागेश्वर, जहाँ को मंदिर नहीं है, मंदिर जहाँ जागेश्वर मंदिर है उसे उधर को रहती है। कभी मंदिर आएंगे तो आपके पास भी आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है मेरी दोस्त ममता, और ममता की लगने लगी मेहंदी। ममता कैसा फील हो रहा है बता, है अच्छा? मैं थोड़ा फील हो रहा है, आज रोना आ रहा है क्या? देख अब मेहंदी लग रही है, और ये बता जीजू का नाम कहाँ पे लिख रही है? वो तो फिर अभी छुपा के, भैया छुपा के लिख रहे हो क्या? तुम तो कल ब्लॉग लाइव कर दोगे, मिलेंगे। हाँ तो यहाँ पे देखो सारी मेहंदी, कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, पूरे मेहंदी लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और मैंने तो इसको रेडी कर दिया था टाइम पे, और देखो ग्लो देखो लड़की का, अभी से चमक रही है। ये देखो यहाँ पे इधर सारे लोग भजन कीर्तन, बढ़िया हमारी कुमाऊं में ऐसी होता है, बैठ के पूरा ना भजन वजन मस्त करके, तो हम तो ऐसे ही बैठे बैठे, और यहाँ गाने भी इतने चल रहे हैं ना, तो गाने की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब कॉपीराइट आ जाता है, तो अभी बंद करवाया उन्होंने। हाँ उधर खड़े हो उधर। आपको बहुत बहुत बधाई हो, और अब बेटी की फाइनली शादी हो रही है, कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है, देख रोना नहीं आ रहा मम्मी को, बहुत अच्छा लग रहा है। अब परसों, परसों देखूंगी जब रोगे आप, आज तो बहुत रो रहे थे, वीडियो में तो आई गया आपका रोना। हाँ हमने तो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, जब आप 90 साल की हो जाएगा फिर भी देखोगे उसमें वीडियो। तो देखो यहाँ पे लग रही है ममता को मेहंदी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे आंटी जी मेहंदी, आंटी जी कलाकार कौन था ये? अरे कलाकार पीछे चले गए ना। दिखाओ तो, यही तो बढ़िया लगेगा, ये डिजाइन डिजाइन भेज देना कलाकार के लिए ना। Oh, my God.
अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो देखो डिनर में मिक्स वेज है, पूरी है, मटर पनीर है और बहुत सारा है कुछ है। हमने तो लिया नहीं, हमने कहा पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है ना, तो खा लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सही लगी शादी हो रही है क्या लगता है? मुझे पता है शादी सिंगल लाइफ अच्छी होती है। तो दोस्तों अभी खाना खुना खा के हम सीधे पहुंच गए घर, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और हमने सुबह वहाँ जल्दी भी जाना था। तो घर पहुंचते ही देखो यहाँ पे भी मेहंदी लग रही है भैया। तो यहाँ पे दिव्यांशी की मेहंदी देखो, ये देखो ये क्या लिखा है दिव्यांशी, आई लव मॉम डैड। ओ रे वाह भाई वाह। और यहाँ पे क्या लिखा है दिव्यांशी रावत, ये देखो। कल कहाँ जाना है? शादी है। अच्छा तो डांस भी तैयार कर, डांस भी करेगी वहाँ पे संगीत नहीं तो वहाँ सुर लगा रहा है अपनी मम्मी के हाथ में। तो दोस्तों रात के अभी 10 बज रहे हैं और इस वीडियो को ये एंटर करते हैं। कल सुबह हमने जल्दी जाना है 8-9 बजे, क्योंकि कल है महिला संगीत और रात को आनी है बारात। कुमाऊं में ना महिला संगीत बहुत स्पेशल होता है और बहुत कुछ होता है महिला संगीत पे। तो कल का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खूब मस्ती करने वाले हैं हम भी। और आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ऐसी मज़ेदार वीडियो को ले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बाय।